इंग्लैंड की टीम भारत के खिलाफ चौथे T20 मैच में करीब जाकर हार गई और आखिरी ओवर में टीम इंडिया ने मुकाबला जीत लिया। भारतीय टीम की इस जीत के बाद इंग्लिश कप्तान इयान मॉर्गन ने टीम इंडिया को क्रेडिट दिया, लेकिन खुद की टीम की हार को लेकर निराशा भी जताई। मॉर्गन ने कहा कि निश्चित रूप से अब तक का सबसे करीबी मुकाबला रहा और भारत ने काफी बेहतर खेला और वो पूरी तरह से जीत के लायक है। पूरे गेम में बहुत अधिक ओस थी और मैच बहुत उछला और निकल गया। मैच की स्विंग और गति भारत की टीम के पास वापस चली गई और आखिरी ओवर ने इसे दिलचस्प बना दिया। हम इस सीरीज में जितना सीख सकते हैं सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इंग्लिश कप्तान ने आगे कहा कि गेंद ज्यादा नहीं घूमी और हम नियंत्रण में थे। 16 और 17 ओवरों में हमने 8 गेंदों में 3 विकेट गवाए और इसने हमें पीछे कर दिया। बेयरस्टो और स्टॉक्स ने खुद को इसमें बनाए रखा। नए सीरीज की शुरुआत करना आसान नहीं है, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब रहे। उनका अनुभव हुआ और उन्होंने अपने विकल्प लिए। हालांकि तब अंत में अनुभव के बावजूद मैच नहीं जीतने की निराशा है। मॉर्गन ने यह भी कहा कि हम जीतने के लिए जरूरी मैचों को जीतना चाहते हैं। घर से बाहर खेलते हुए जीतना शानदार होता है। आपको बता दें कि टीम इंडिया ने चौथे मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 2-2 से बराबरी कर ली है और अब आखिरी मुकाबला निर्णायक होगा। देखना होगा कि ये दोनों टीमें इस मैच को जीतने के लिए किस तैयारी के साथ मैदान में उतरती है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए।